सुजानपुर टेहरा में बतौर उपमंडल अधिकारी का कार्यभार संभालते ही शिल्पा बेल्टा ने कहा कि ऐतिहासिक चौगान की सुंदरता को निहारने का काम करेंगी। वहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के ऊपर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। सुजानपुर टेहरा में बतौर उपमंडल अधिकारी का कार्यभार संभालते ही शिल्पा बेल्टा ने कहा कि ऐतिहासिक चौगान की सुंदरता को निहारने का काम करेंगी। वहीं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के ऊपर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। ज्ञात रहे कि शिल्पा बेल्टा 2012 में हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं दे रही हैं। उनकी पहली ज्वाइनिंग कचोर के सहायक उपायुक्त के रूप में की गई, जिसके दौरान उन्होंने कचोर की पंचायत का दौरा किया, जिसमें लगभग 4 घंटे की यात्रा के दौरान पंचायत पहुंची थी। तभी उन्होंने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए। वहीं उन्होंने बताया कि पंचायत के लोगों को घर बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाए थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा धर्मशाला से हासिल की थी और उच्च शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी की थी, जिसके दौरान दिल्ली में पीएचडी के लिए गई थी, लेकिन बीमार होने के चलते डिग्री अधूरी ही छोड़नी पड़ी थी। उसके उपरांत उन्होंने प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं दे रही हैं। वहीं उन्होंने क्षेत्र के युवाओं से आग्रह किया कि यदि किसी को हिमाचल प्रशासनिक सेवा के पेपर के लिए सहायता की जरूरत हो तो मेरे कार्यालय में आकर मिल सकता है। इससे पहले वे किन्नौर मंडी परमाणु में बतौर उपायुक्त सहायक सेवाएं दे चुकी हैं। वहीं हमीरपुर में बतौर उपमंडल कार्यकारी का कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता से आग्रह किया है कि बरसात के दिनों में नदी नालों के पास ना जाएं ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे। सुजानपुर हमारा सबडिविजन 24 प्रकार सबसे पहले राजस्व विभाग और उससे जुड़े दूसरा ICDS के साथ मिलकर आंगनबाड़ियों के आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ मिलकर काम करना, तीसरा हमारा रहेगा महिलाओं को हेल्थ हाइजीन के प्रति जागरूक करना, इसमें हम आयुर्वेद डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट इन सबका हेल्प लेंगे अपने कस्टमर का। लोकल इश्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जवान। जवान एक विरासत की तरह है सुजानपुर के लिए, लोगों की भावनाएं जुड़ी है, जवान को अच्छा बनाना सौंदर्यीकरण करना ये भी हमारे एजेंडा में। इसके अलावा क्योंकि आजकल बरसात चल रही है, नदियां नाले सब उफान पे हैं, तो सब लोगों से अपनी गुजारिश रहेगी बच्चों से और जो हमारे यंग लोग हैं उनसे खासकर कि नदी नालों के पास ना जाएं। आप कई बार मस्ती मजाक में जाना चाहेंगे, पानी में बहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो सबसे यही अनुरोध रहेगा पानी के स्रोत जो है नदी नाले उनसे थोड़ा दूर रहें।